संध्या, मुझे एक बहुत ही बड़े मिशन के लिए एक ऐसे ऑफिसर की जरूरत है जिसमें ना सिर्फ तेज दिमाग और हौसला हो पर अपने देश के लिए कुछ भी कर जाने का जज्बा भी हो, और इस सारे मापदंड पर सिर्फ एक ही नाम खरा उतरता है, संध्या राठी का। संध्या, यह मिशन हमारे देश के सिक्योरिटी से जुड़ा बहुत ही संवेदनशील मिशन है जिसमें बिना किसी फोर्स के सहारे के एज ए वन मैन, या कहना चाहिए कि वन शो वाले ऑफिसर की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसकी जिम्मेदारी उठाओ, और एक और बार पूरे देश को अपने आप पर गर्व करने का मौका दो। क्या हुआ संध्या? I'm sorry जाकिर, पर मैं इस मिशन पर नहीं जा सकती। क्यों? मैं नो वाई जाकिर, मेरी बात समझना, किसी भी ऑफिसर के लिए ऐसा मिशन, ऐसी जिम्मेदारी गर्व करने लायक है, लेकिन सवाल देश की सुरक्षा का भी। और एक किडनी के सहारे में शारीरिक रूप से इस मिशन के लायक नहीं। आज उन गुंडों से फाइट में भी तो यही प्रॉब्लम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वो तो एंड वक्त पर तुम आ गए जाकिर, वरना वो गुंडे वहां मौजूद निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचा देते जिसके जिम्मेदार मैं होती। नहीं जाकिर, मैं अपनी कमजोरी की वजह से अपनी देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि गोल्ड मेडलिस्ट आईपीएस ऑफिसर संध्या राठी ये सब कह रही है। संध्या, जो कुछ भी हुआ ना, तुम हमारे आने से पहले ही खुद अपने दम पर उन गुंडों से लड़ रही थी। पिछले 6 सालों से राजस्थान में बच्चों के अपहरण का ग्राफ भी 0 हो चुका है। क्या ये काफी नहीं है ये बताने के लिए कि संध्या राठी आज भी अगर कोई काम अपने हाथ में ले तो उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता? साकिर, वो सब मैंने एक बहुत ही प्लानिंग के तहत किया था, उसमें मेरी पूरी टीम मेरे साथ थी, लेकिन तुम्हारे इस मिशन में वन मैन आर्मी चाहिए। और वो वन मैन आर्मी वाली सारी योग्यताएं तुम में हैं, मुझसे बेहतर कौन जानता है? संध्या, ऐसे मिशन के लिए सिर्फ शरीर की ताकत और हौसले की ही नहीं, आत्मविश्वास की भी जरूरत होती है। आत्मविश्वास की तुम जीती जागती मिसाल। तुमने एक दोस्त कह रहा, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते सोचोगे तो जानोगे कि मेरे इस नाक के पीछे बहुत बड़ा रीजन। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। जय हिंद। और पता चल सकती थी वहां पर बहुत सारे गुंडे थे, पर मेरी मम्मा किसी से भी नहीं डरी, है ना दादी? हाँ हाँ। जब हमारी मम्मा एक एक को ऐसे देखो, ढिशो या ढियो ढिशो, अरे राम, ढिशो ढिशो, अरे धीरे धीरे ऐसे। मेरी मम्मा तो सुपर हीरो है ना? हाँ जी तो है बेटा, पर तू भी किसी से कम को नहीं। अच्छा अब बहुत हो गयो, लो गुड़ चना खा लो। खा ले, खा ले। आजा। संध्या, मुझे एक बहुत ही बड़े मिशन के लिए एक ऐसे ऑफिसर की जरूरत है जिसमें ना सिर्फ तेज दिमाग और हौसला हो पर अपने देश के लिए कुछ भी कर जाने का जज्बा भी हो, और इस सारे मापदंड पर सिर्फ एक ही नाम खरा उतरता है, संध्या राठी। एक किडनी के सहारे में शारीरिक रूप से इस मिशन के लायक नहीं, मैं अपनी कमजोरी की वजह से अपनी देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकती। भाबो बाबा साहब, वेद सूरज जी का फोन आया है। अरे राम, पापा कितनी देर बाद फोन किया आपने? पापा आप कैसे हो? आपका कैरम कैसा है? अच्छा आपके नए दोस्त मिले? वेद वेद आराम से, आराम से बेटा, मैं ठीक हूँ, और यहाँ पे कैंप पे सब ठीक है, पर ज्यादा किसी से अभी जान पहचान नहीं हुई। जानता है ना कि तेरे पापा तेरी तरह जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करते, पर हाँ जब मैं आऊंगा ना तो तू मुझे सिखा देना
कि पापा दोस्ती ऐसे करते। ठीक है, इस बार मैं आपको सिखा दूंगा नए दोस्त बनाने। अरे हाँ, आपको पता आज हम लोग मंदिर गए थे और मम्मी ने ना वो वेद सारी बातें खुद ही करते रहोगे, भाभा वासु को भी कुछ बात करने दोगे? ठीक है मामा, बाय पापा। हेलो ताऊजी। छोरा, सवेरे से फोन का इंतजार कर रहे थे, जी घबरा रहा था, अच्छा हुआ तूने फोन किया। बेटा ऐसे ही टेम टेम पर फोन कर दिया कर, अच्छा लगता है। बाबा साहब, मैं हर रोज फोन करूंगा, बस आप लोग चिंता ना। मैं एकदम ठीक हूँ, और यहाँ मैं जो करने आया हूँ बस आपको उसको पूरा करके आऊंगा। हाँ छोरा, खुश रहे, थारे बड़े खाने पीने की व्यवस्था सब ठीक है ना? हाँ हाँ भाव, यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े हॉल हैं और एक हॉल में सात जन हैं। और खूब बड़ी जगह है, खुले मैदान है, खुली हवा है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है छोरा, ले बीनड़ी से भी बात कर ले। ले बीनड़ी जी, जा जा। आज और फिर तूने कैसे दिखा अचानक उसे? क्या बात है सत्या, आपके चेहरे पे उदासी क्यों? उदासी नहीं, नहीं तो अब ठीक तो है। आप जितने भी कोशिश कर लो, आपको जो ये चेहरा है ना मुझे सब बता देता है। क्या बात है, मेरी मेरी याद आ रही है ना? अच्छा वैसे आपको आपको एक बात बताऊं, मेरे सामने ना एक दीवार है जिस पे लिखा है कि खेल सिर्फ ताकत से नहीं, जज्बे से, जोश से, आत्मविश्वास से खेला जाता है। संध्या, ऐसे मिशन के लिए सिर्फ शरीर की ताकत और हौसले की ही नहीं, आत्मविश्वास की भी जरूरत होती है। और ये बात खेल के साथ साथ आपके अपने जीवन में भी लागू होती है। आत्मविश्वास की तुम जीती जागती मिसाल। कल मैं प्लॉट पर जा रही हूँ बच्चों को लेकर, वहां पौधे लगाएंगे हम लोग। हाँ संध्या, खूब रंग बिरंगे पौधे लगाना, और जब तक मैं लौट के आऊँ ना तो मुझे पूरा का पूरा बगीचा चाहिए, याद रखना। मैं भी रखता हूँ। नहीं मम्मा, मुझे राजा रानी परी वाली कहानियाँ आजकल बहुत बोर कर देती है, आज आप अपनी कहानी सुनाओ ना, आपकी बहादुरी भरी डिशम डिशम वाली कहानी। ऐसी कोई बहादुरी नहीं की है मैंने, इसलिए ऐसी कोई कहानी नहीं। अरे राम, अरे अठी ने देखो, अरे राम, बीनड़ी बैठी बैठी रहे बैठी रहे। अरे जे देखो, जगह कर दियो। अरे राम संभाल के। हाँ रे, आप लोगों ने जे तमगा तो देखा ही होगा ने? हाँ। पर इसके पीछे की कहानी का पता है आपने? नहीं दादी। नहीं दादी। नहीं, मैं बताऊं आपने। हाँ सुनो जे, ध्यान से पकड़। जे जो तमगा है ना, पता है संध्या बीनड़ी ने कद मिलियो जब आग से छोटा छोटा टाबरा ने बचाने के वास्ते मिलियो तो। ले तू दे। और जे जे तमगा, हाँ जे तमगा संध्या बीनड़ी ने वो काई के वे, हाँ जो फटपटी चोर होए ना, फटपटी चोर उनने पकड़ने के वास्ते मिले। ले
ध्यान से दे। पिकुलू? जेतमगा ना, ऐसे बहुत सारे तमगे मिले हैं, बहुत सारी छलांगे लगाई है, वो काहे के बे शूटिंग जो होवे ना, गोलियां चलावे, बी में मिली है, बी नहीं में। कौन? मिस्री, तू भी दे, ले। और ये जे जे वाला ना, जे वाला तमगा संध्या बीनड़ी ने। पूरी देश की तरफ सो गया तो हवाई जहाज होवे ना, बीने ना आतंकवादी अपहरण कर लियो तो। संध्या बीनड़ी अपनी जान की परवाह न किए बगैर वो सारी यात्रियां ने बचा लिया, अपने देश की नाक ना झुकने न दी आतंकवादियों के सामने। दिखाओ दादी। देख ना ताई जी, क्या ये सारे गोल्ड मेडल गोल्ड ट्रॉफीज रियल गोल्ड के हैं? मिश्री, गोलू परिवेद गोल्ड मेडल सोने की नहीं, ये मजबूत इरादे, बहादुरी और परमिटने के जज्बे से बने होते हैं। और मेरी मामा में ये सब चीजें, मेरी मामा सुपर हीरो की तरह कुछ भी कर सकती है, मेरी मामा कभी भी आ नहीं सकती है ना मामा? मम्मा कदी हार ना मानेगी। पिछले 6 सालों से राजस्थान में बच्चों के अपहरण का ग्राफ भी 0 हो चुका है। क्या ये काफी नहीं है ये बताने के लिए कि संध्या राठी आज भी अगर कोई काम अपने हाथ में ले तो उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता? संध्या ऐसे मिशन के लिए सिर्फ शरीर की ताकत और हौसले की ही नहीं, आत्मविश्वास की भी जरूरत होती है। आत्मविश्वास की तुम जीती जागती मिसाल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।